मैम पिक्चर्स पकड़ नहीं रहा। बहुत खुशी हो रही है कि डबल खुशी है, एक तो भूमिताल एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड तीन बच्चे हमारे साथ है, ये है शिवांगी और ये है अमनदीप और यहाँ है वैशाखी। हम लोग बहुत अरसे से कंपोज़र भूपेंद्र जी यहाँ हैं और लिरिसिस्ट गुलजार साहब यहाँ पर हैं और मैं इनके छत्र छाया में बहुत सारी एल्बम कर चुकी हूँ, बहुत सालों से मैं भी गा रही हूँ, लेकिन इस बार जो भूमिताल जो नाम दिया है इस प्लेटफॉर्म गुलजार साहब ने, उस प्लेटफॉर्म में पहली बार दिल पीर है एल्बम जो भूपे जी ने कंपोज़ किया है और वैशाखी और शिवांगी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है और एक ट्रैक है जो गाना है दिल पीर है, उसमें मैं मेरा बेटा अमनदीप वैशाखी शिवांगी एंड सोनू निगम वी सैंग टुगेदर, जिसका हमने वीडियो बनाया है आज हम इस शाम में लॉन्च के टाइम पे हम देखेंगे। तो मुझे एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा मैं पूछना चाहूँगी, भूपे जी आप जब कंपोज करते हैं तो कभी सिंगर को दिमाग भी रख के कंपोज करते हैं? उसके बिना कंपोजिशन में कुछ रश नहीं होता। उसके बाद यू हैव टू नो द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग ऑफ द सिंगर, उसकी क्वालिटी को जानना बड़ा जरूरी होता है। तो एक बार वो दिमाग में आ जाए तो मैं इस वक्त सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जब मैं घर में देख रही थी कि जो भूपे जी कंपोज कर रहे थे और कंपोज कर रहे थे एक गाना आप लोग सुनेंगे इस एल्बम में है जिसमें राशिद खान साहब जो क्लासिकल जॉनर का है उनके साथ शिवांगी ने एक गाना गाया है कौन आएगा, और जब कंपोज कर रहे थे मैं सोच रही हूँ कि जो राशिद खान साहब का जो रेंज है बहुत मतलब डी का टॉप नोट को लेते हैं, हालांकि शिवांगी का रेंज मिड रेंज है, तो आपने जो कंपोजिशन किया है जो मैंने एज अ सिंगर मैंने देखा है कि उसकी जब एंट्री थी तो वो नीचे से दैट ऑक्टेव यू हैव यूज, व्हाट इज़ अ बेसिक आइडिया आपके पास कैसे आया कि उस रेंज के साथ इसको कैसे मिलाया? नेचुरली क्या होता है कि जिस रेंज में खान साहब ने गाया है वो रेंज शिवांगी का नाम है, तो मुझे उसी ही राग में मुझे उसके लिए नीचे के नोट्स में मुझे कंपोजिशन करनी पड़ती है। जैसे डर लगा था, डर ज़्यादा दो चीज़ों का, एक तो बोल ठीक से बोले जाएंगे कि नहीं, जर्जी राइट्स प्योर उर्दू, कभी कभी बहुत हैवी उर्दू होता है समझ में नहीं आता, बट पोएट्री समझाई गई तो इट वॉज नाइस, वो एक था। दूसरा भूपी अंकल का कंपोजिंग स्टाइल सिंगिंग स्टाइल इज स्टैंडिंग नोट्स जो इवन हायर रेंज में यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ब्रेथ, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में मुझे जब गाने मिले उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था जब मैं यहाँ पे आने वाली थी, तो आई यूज़ टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे टू मेक श्योर कि मैं वो गाना यहाँ पे जब आऊँगी तो मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊँ। वैसे तो तुम रहती हो अमेरिका में, यू आर वर्किंग लेट, यस, सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस, व्हाट मेड यू, आई मीन किस वक्त प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से? सो मेरे लिए सबसे काम टाइम इस जब मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से आती हूँ मैं अकेली कार में होती हूँ। तुम ड्राइव तो, करती थी? हाँ, तो मैं अपना तानपुरा का सीडी गाने पे लगाती थी और जाते हुए मंद्रा साधन करती थी, वापस आते हुए दूसरा प्रैक्टिस करती थी, तो गाना प्रैक्टिस। जर्क में आवाज़ वो नहीं होता था? नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता, वहाँ पर जर्क कम लगते हैं, रास्ते ठीक होते हैं। तो जब गा रही है ऐसा नहीं हुआ कि ट्रैफिक पुलिस मैन ने रोक लिया? नहीं तो नहीं नहीं, पहले मुझे भी सुना नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक बार थोड़ा गाड़ी आगे टच हो गई थी किसी और के साथ, मैं ऐसे ऐसे गा रही थी अपने दूसरे जोन में चली गई थी, बट हाँ बट वो प्रैक्टिस जरूरी थी। तो जब हमने सुरीला अगर ट्रैफिक पुलिस मैन हो तो वो रोक के कहेगा पहले हमको सुना देगा, बाकी ट्रैफिक रुका है तो रुका भी सही है।
तो जब आपको गाने जब आपको गाने भेजे गए थे तो सबसे पहले तो वो बोल आप खुद सुनते थे भूपी जी का, भूपी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा था? हाँ हाँ, वो बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि अगर ऐसे ही गाना भेजा है और उसके बोल बिठाने हैं तो बहुत मुश्किल रहता है, बट उन्होंने गा के भेजा था इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी रहा कि मैं सुनती थी ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स आई मस्ट हैव लिसन टू द सॉन्ग तब जाके मैं उसको परफॉर्म कर पाई। गुलजार साहब, आपसे मैं एक सवाल करूँगी, आप बहुत सारे म्यूजिक बताइए आपने तो अनगिनत कंपोजर्स के साथ काम किए, लेकिन ऐसी क्या बात है जो भूपी जी के साथ, भूपी के साथ जब कंपोज करते हैं तो आपको बढ़िया है? बोलू ना आप जब भूपी के साथ जब नॉन फिल्म नज़म करते थे तो आपको किस तरह से आपको लगा कि एज ए कंपोजर एज ए सिंगर हाउ ही वॉज विथ यू? मेरा ख्याल है लगने वाली बात तो भूपी की थी कि भूपी को कैसा लगा कि ये कहाँ से पर्दे पड़ गए। ब्लैंक वर्स नहीं, कोई नहीं कंपोज करता, कोई कंपोज नहीं करता। 40 बरस पहले की बात है, 40 बरस लंबी छलांग है भूपेंद्र एज कंपोजर। कि उस जमाने में जब कोई राइम्स और काफ़िया मिला के उसके बगैर कोई बात ही नहीं करता था, कोई गाना हो ही नहीं सकता था। उस ज़माने में ब्लैंक वर्स को लेके कंपोज करना वाज अ मिरेकल, समथिंग टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, और तो किसी ने किया ही नहीं था उस ज़माने में, किया भूपी ने और आज तक करता चला आ रहा। इस दौरान मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, गाने की फॉर्म्स अगर बदली हैं, कुछ चेंज हुआ है तो उसमें विच भूपी एग्रीज विद मी कि इट इज़ यार रहमान हु हैज डन दिस, जिसके हम ब्लैंक हॉर्स की फॉर्म आ गई करते करते। लेकिन वरना 40 साल पहले और वो उसके यहाँ भी आई है तो मतलब वो बन गई है या मैंने लिख लिए बना दी है उसको, मैंने राइम्स नहीं मिला है। दिल से मैं जिस तरह गाने करते हुए मैंने राइम्स नहीं मिलने दी तो मैंने उसको ब्लैंक वर्स बना लिया। लेकिन मुझे हिम्मत हुई जब देन आई नो कि वन कंपोजर हैज डन इट, आई कैन ट्राई इट। वो एग्जांपल जो है वो सिर्फ भूपेंद्र की, और किसी की नहीं, सिर्फ वो भी करता है। साई याद है, नींद में रहता है, नींद में रहता है, नींद आती नहीं और नींद में रहता है हमेशा। आपने बहुत अच्छा पहले भी कहा है कि अगर भूपी की आवाज़ के लिए आपने एक बार कहा भूपी की आवाज़ के बारे में कि कैसी आवाज़ जो है ये क्या है, अगर मैं बार बार रिपीट करूँगा तो लोगों के लिए वो क्लिशे हो जाएगा कि नहीं है, देखो ये बार बार वही बात करते हैं। सब जानते हैं कि मैं मेरा बस चलता तो मैंने कहा था कि इसकी आवाज़ का तावीज़ बना के पहन लेता है ना। अब तो मुझे ये लगता है जितनी गज़लें इसने गाई हैं मुझे नेकलेस बना लेना चाहिए। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आज तक मिला है भूपी, यू नो व्हाट इट इज़, इस बार ये एल्बम करते उनका लिख तो मुझे आपके अल्फाज की आदत हो गई है, मैं कंपोज नहीं कर पाता अदरवाइज। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच आई गॉट। आदत हो गई आपको किसी शायर को अगर ये कंपोजर से ये अल्फाज मिल जाए कोई कह दे तो। मैं भी अमन से बात करूँगी। निहाल, आपको जब स्टूडियो में बुलाया गया था और मुझे याद है भूपी आपका गिटारिस्ट बाबा ने समझा रहे थे सावन का, अब वो कहा था कि ये बेटा ये जगह है, गाना सुन लो, फील करो एंड यू कंपोज इट एंड यू आर डूइंग। व्हाट डिड यू फील अबाउट दैट सॉन्ग सावन में जब दर्दन होती है, यू जस्ट फेल्ट द सॉन्ग एंड यू कंपोज एंड प्ले दैट गिटार?
was great. No, Dad actually, you know, without really saying, he really told me what to do. It's more like following. Sorry. Dad ne actually, बिना शब्दों के, you know, थोड़ा सा guide guide करके बता दिया कि ऐसे. नहीं तो मैं actually मेरा ज़्यादा experience नहीं है ये सब बजाने में तो I was थोड़ा lost. और गाते वक्त आपको कैसा लगा ये गाना? बाबा ने जब सिखाया कि ऐसे गाओ तो आपको कैसा? डर भी लगा तो थोड़ा? No, भाई, I was scared. Only of you. Not of me also. But he was a great help in Vishakhi's song. Savan. Savan में English. Nihal has played first music on electric guitar, and that he composed himself. The piece was composed by Nihal himself. And, mostly composed by myself. No, it was because I was consulting with you what it should be like, how it should be. I mean, mainly from your guidance. Because you are in this, your instrument, you know what to do. So it couldn't be better than that. So I was very, very happy, with this. He's a great guy, not that my son. My son. And बहुत अच्छा लगा, दिल पीर है. We wish everyone. भूमिताल के बारे में थोड़ा बताओ. मैं भूमिताल के बारे में इतना ही कहूँगी, भूमिताल एक प्लेटफॉर्म, एक कोशिश है. जो बच्चे हमेशा हमें पूछते हैं, अच्छा दीदी जब आप गाते हो तो इस लफ्ज़ों को आप कैसे गाते हो कि लोग समझ जाते हैं, कभी कभी समझाया भी जाते हैं. देखिए, अभी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूलों में से उर्दू नहीं है, कई लोग उर्दू नहीं समझते, तो मुझे वहाँ समझाना पड़ता है. तो मैं सिंगर को बोलती हूँ, अगर समझा भी दो तो वो आसान हो जाता है, लोग समझने लगते हैं. जैसे मैंने आज गुलजार साहब से पूछ रही थी कि राहगीर का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और जो वो पीर है, दिल पीर है, जो वो समझा रहे थे कि वो एक पैगंबर भी नहीं, पीर का मतलब है जो उस्ताद. ये एक कहावत है ना, आस्किंग इज़ नोइंग, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करो, हज़ार बार करो. और म्यूज़िक कोई एक सब्जेक्ट नहीं कि बीए कॉमर्स सब्जेक्ट, पीएचडी, कोई मायने नहीं रखता. मैंने बहुत कुछ सीखा है शिवांगी से, मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा है दोनों बच्चों से, मेरे बेटे से. जिस तरह से दे वेर फोकस्ड, आई एम लर्निंग फ्रॉम द यंगस्टर्स. हम थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं, लेकिन भूमिताल यही है कि इट्स एक्सचेंज ऑफ द यंगस्टर्स एंड अस, कि ऐसे गाओ, ऐसे करो, और खिल के आए बच्चे आगे. यही मेरी कोशिश है.